कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जेएनयू आसिफाबाद में फिरकावाराना तशद्दुद पर रद्दमल का इजहार किया। डीजीपी तेलंगाना से तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। आसिफाबाद जिले के जेनूर में चहारशंबे को मुसलमानों के दुकानात और गाड़ियों को शरपसंदों ने तबाह कर दिया, हत्ता के जामा मस्जिद में भी तोड़फोड़ की। फिरकावाराना कशीदगी का इल्म होने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने तेलंगाना हुकूमत से अपील की है कि वो किसी को भी कानून को अपने हाथ में ना लेने दें। उन्होंने डीजीपी तेलंगाना से भी राबता किया है और इस वाक़े का जिक्र करते हुए तशद्दुद में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जताई है कि आसिफाबाद SP भी वहाँ के हालात पर काबू पाने के इकदाम करेंगे। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद को पकड़ कर जेल भेजा जाएगा और उन्हें सजा दिलवाई जाएगी। मैं DGP साहब तेलंगाना DGP से बात किया हूँ और कल जेंगूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ, ये न्यूज मेरे पास है। वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। तो ये भी मालूम हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भी जाए। आज जो मेरे पास न्यूज है कि एक मस्जिद के ऊपर वहां पर कुछ कोशिश की गई, मैं वीडियोस देख रहा हूं, अगर सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर DGP ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेज भेजा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं, हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और जो भी वायलेंस को इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूं, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूं या घर को डैमेज करूं या किसी की वो जला दूं। मैं कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मॉब आए और मुझे चाहे मनमानी कर ले। तो मुझे उम्मीद है क्योंकि DGP मुझे अश्योर किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वहां के SP जो आसिफाबाद के SP है वो फौरन हालात को नॉर्मलाइज करेंगे और जो कोई भी इस वायलेंस में इन्वॉल्व है उनको कोरों की इमीडिएटली अरेस्ट करके उनको जेल को भिजाया जाएगा और कोर्ट से सजा दिलाई जाएगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉरपोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।